हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज संडे है, आज संडे का दिन है और आज मेरा छोटा भाई मिस्टर निहाल घर पर ही है। आज ट्यूशन भी नहीं है उसका, स्कूल भी नहीं है, तो आज पूरा दिन घर पर ही रहने वाला है वो। तो घर पर रहने के बाद आज वो बोला कि कुछ बोलना चाहूँगा आपके ऑडियंस को। तो मैं बोला ठीक है भाई, बोल दे। ऑडियंस भी बेताब है सुनने के लिए, क्योंकि हमारा फरहान जो फरहान ब्लॉगर है बसमत का, वो बोल रहा था कि भाई आप ब्लॉग में निहाल को साथ में लो बोलकर। तो आज निहाल जो है तो पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहेगा, तो मैं निहाल को साथ में लूँगा, तो ज़रूर सुनना कि निहाल क्या बोलना चाहेगा आपसे। तो मिलते हैं निहाल से। ये हमारा निहाल। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मेरा नाम सैयद निहाल है। मैं आपको पढ़ाई के बारे में कुछ टिप दूंगा, स्टडी कैसे करें। तो स्टडी करने का एक बेहतर तो तरीका है, जो सबसे पहले अपने घर की टीवी बंद करो। जो मेरे घर की टीवी तो चालू है पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता। और दूसरी बात, जो आप लिख रहे हो ना उसे पढ़ कर लिखो। आपको मोबाइल साथ में लेके आए साथ में, तो हम ना उस पर देखते हैं स्टडी का। देखो देखो स्टडी का चलता कहीं देखते बोल दो। वो एक सारे राहुल सर बोल के, जे आर ट्यूटोरियल बोल के, तो उनके हम वीडियोस देखते हैं। वो अच्छे मोटिवेट भी करते हैं और अच्छे समझाते। और सबसे दूसरी बात, मैं तो समझता था कि मैथ बहुत अवगर चीज़ है, मैथ कुछ आता नहीं। बाद में मैंने वो जे आर ट्यूटोरियल सर की वीडियो देखा, तो वहाँ से पता चला कि मैथ बहुत आसान चीज़ है। मतलब ज्योमेट्री और दो पार्ट रहते हमको, तो बहुत ईजी रहता वो। तो ज़्यादातर वो मतलब हमें मैथ से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मैथ और साइंस। तो मैं अभी इंग्लिश की कुछ मेरी बुक से करने के वो कर रहा हूँ। आज संडे है तो आज मेरे भाई ने बोला कुछ बोलो बोले, तो मैं बोला भाई थोड़े आपको भी थोड़ा मोटिवेट दे देंगे। तो देखिए मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और स्टडी करने की तीसरी बात, जो आप स्टडी कर रहे हो और सबसे मैथ में कभी रट्टा नहीं मारने का, समझने का। और आपकी जो हैंडराइटिंग है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाओ। जितनी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी आपको उतना पढ़ने का मन होगा। बस मैं इतना ही बोल के अपने दो वर्ड ख़त्म करता हूँ। बाय। और वो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बहाने बताते हो, बच्चों के आस्ते क्या बोलना चाहिए? उसमें से एक माई भी है बोले तो बहाने बताता। तो बहाने बताने बोले तो ज़रूरी है बहाने बताना, क्योंकि बोले कुछ आ रहे तो खुला बोल देगा भाई मेरे को नहीं आ रहा, मैं अगली बार अच्छे से करके बताऊँगा। पर बहाने नहीं बताना, मैं पहले बहाने बनाना आप भी बताना। पर अभी मेरे समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बहाने बनाओ, पर ऐसे बनाओ कि सामने नहीं आना। बोले तो समझ रहे हो ना, तो अच्छे बहाने बनाओ, बोले तो सामने दिमाग में घुसना बस। तो गाइज ये था हमारा निहाल। तो कमेंट्स करना ज़रूर बताना कि निहाल का बक 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 तुम्हारा वो कैसा लगा, और निहाल के साथ मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ ये भी कमेंट्स करके बताना। और कमेंट्स करके ये भी बताना कि मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आऊँ नया नया। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप बताएंगे तो मैं बराबर वहाँ पर जाकर पहुँच जाऊँगा और वहाँ का आपको नज़ारा व्यूज़ जो भी है आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे इनको बोलूंगा, मैं ये अच्छे डिस्क्रिप्शन डालो, मैंने दो वीडियो न्यू डाले इंस्टाग्राम पे, वो जरूर जाके देख। हाँ तो इसकी इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं वहाँ पर डालूंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे रील बनाता है ये, एडिटिंग करता बंदर का मुंह लेके अपना, बहुत अच्छी बनाता। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अगर इन्होंने आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल तो मैं भी बोल देता नेहू स्लीपिंग लाइन 777 3 बार 7 फिर स्लीपिंग लाइन, जाके फॉलो और लाइक जरूर कर देना। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाल दूंगा। नहीं डालते तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।